हेलो दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल की जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रही है उसी के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ गलतियां कर दे रहे हैं, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फर्स्टली तो अपना एडमिट कार्ड जो है एसएससी के जीडी के द्वारा, मतलब कि इसके द्वारा द्वारा जो जारी किया है वो लेके जाना है। और सेकंड में आपको अपना आधार कार्ड नहीं भूलना है, क्योंकि आधार कार्ड से वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम मिलाना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपका आधार कार्ड में नाम गलत है या डेट अलग है तो आप अपना पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। तो आइए, और दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का कि दौड़ जो है कहाँ पे हो रहा है, सड़क पे या ग्राउंड में। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, दौड़ जो है कहीं कहीं सड़क पे हो रहा है और कहीं कहीं ग्राउंड में। कारण ये है कि जहाँ पे मतलब कि ग्राउंड में कहीं कहीं पानी है वहाँ पे सड़क पे दौड़ हो रहा है, और जहाँ पे ग्राउंड ठीक है वहाँ पे ग्राउंड में हो रहा है। ये हम गए थे अपने नज़दीकी एसएसबी कैंप जो है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे नज़दीकी एसएसबी कैंप जो है वो है ये, आपको एसएसबी कैंप नरकटियागंज जो कि चंपारण में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में। तो यहीं पे हम गए थे उधर, तो कुछ बच्चों से बात हुआ है, और आइए आपको दिखा देते हैं कि दौड़ होगा तो कैसे होगा। तो दौड़ में आपको इस प्रकार से देखिए, जैसे कि इन लोगों का है, ऐसे आप लोगों को एक बैच कोड मिलेगा, देखिए जो कि यहाँ पे सीना पे लगेगा। इनका 214 लिखा गया है, इनका 43 लिखा गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी एक कोड मिलेगा जो कि लगा के दौड़ना है, वो आपको वहीं पे कैंप में मिल जाती है। और देखिए, इन लोगों का जो दौड़ है यहाँ सड़क पर हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। जैसे अब चलिए दिखाते हैं कि कुछ लोगों का ग्राउंड में भी हो रहा है। देखिए, यहाँ पे इन लोगों का जो दौड़ है ग्राउंड में हो रहा है, पूरे ग्राउंड पे हैं, यहाँ पे अपना डीवी करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हाँ दोस्तों, आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सब कुछ ओरिजिनल का फोटो कॉपी लेकर जाएं, और अपने तरफ से कोई मतलब कि डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में आपको ओरिजिनल में केवल एडमिट कार्ड जो है एसएससी का वो और आधार कार्ड चाहिए, मतलब कि नेसेसरी है, लेकिन फिर भी आप अपनी सुरक्षा के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स जो है लेके जाइएगा। तो चलिए और एक बात कर लेते हैं आगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो सेंटर पे है, मतलब कि यहाँ पे सुबह में पहुँचना है, रिपोर्टिंग टाइम आप मतलब कि वहाँ पे पहुँच जाइएगा। लोग सुबह में आपको 4 से 4:30 बजे तक से यहाँ पे मतलब कि लाइन में लगाने लगता है लोग, देखिए जैसे कि ये लोग लगा हुआ है। और उसके बाद में आपको 6:30 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको दौड़ के लिए लाइन में लगा देगा लोग। तो आप लोग दोस्तों पहले जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आगे रहें, ताकि सुबह में होगा तो आपका फ़ायदा प्रॉफिट रहेगा। नहीं तो जिन बच्चों का हम बात किए हैं, बहुत सारे बच्चों से, हम मेरे दोस्त भी गया था लोग, तो उन लोगों से बात हुआ है, तो बोला है लोग मतलब कि जो लोग बच्चे जिनका 10 बजे के बाद दौड़ हो रहा था, 11 बजे के बाद, उन लोगों को मतलब कि काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं। कारण कि वहाँ पर सुबह में मतलब कि 4:30 बजे आपको लगा दे रहा था लोग एकदम लाइन में, उसके बाद से कुछ खाना पीना नहीं है, तब आप सोच सकते हैं मतलब कि क्या हालत हुआ होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पहले जाएं और शुरू में लगें, ताकि आप लोगों का दौड़ जो है 7 बजे से पहले हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिनका दौड़ है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसा ही आप आगे भी वीडियो चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।